फरमाइए, कैसे आज आज इस सिलसिले में बुलाया गया है कि कल जो बिल राज्यसभा में पास कराया गया है उससे पूरे मुल्क में बेचैनी का माहौल है, लोगों में बेहद नाराजगी है, और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि लोकतंत्र में यकीन रखने वाले और अपने मुल्क के संविधान से प्यार करने वाले तमाम हिंदू मुसलमानों में सख्त बेचैनी और बेदारी पाई जाती है। इस सिलसिले में हम बरेली से कल एक मुजाहरा बरेली में और बरेली के बाद पूरे हिंदुस्तान में ये मुजाहरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर हिंदुस्तान में जो हिंदू राष्ट्र का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, दलितों और मुसलमानों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं इनके खिलाफ अब हमने हमेशा सब्र का मुजाहरा किया है। तीन तलाक बिल ज़बरदस्ती लाया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने सब्र किया, खामोशी इख्तियार की। 370 हमने खामोशी इख्तियार की, सब्र किया। बाबरी मस्जिद को लेकर जो कुछ भी हुआ हमने सब्र किया, लेकिन हमारे सब्र को, हमारी खामोशी को बुज़दिली समझा जा रहा है। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि इनकी इन बेईमानियों के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहिद होकर सड़कों पर आए, एहतजाज करें, मुजाहरे करें। हमने तमाम खानकाहों से, तमाम मिल्ली तंजीमों से बात की है, पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोग हमारे रास्ते में हैं। कल जुमे के बाद बरेली में ये मुजाहरा किया जाएगा और दूसरे अजला में भी, दूसरी जगहों पे भी हो रहा है, कर्नाटका में भी अभी मेरी बात हो रही थी। इसके बाद हमारी मीटिंग तमाम मिल्ली तंजीमों की इंशाल्लाह मंडे को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है और उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि दलित तंजीमों को भी उसमें शामिल किया जाए मीटिंग में, और इन बेईमानियों के खिलाफ अब मुत्तहिद होकर, सीना सपर होकर इनकी मजम्मत और मुखालफत की जाएगी, और इनको हमारी खामोशी की वजह से जो इनकी हिम्मतें और हौसले बढ़े हैं उन हौसलों को पस्त करना बेहद ज़रूरी है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने देश प्रेम की भावना से, अपने संविधान से प्यार है, अपने देश से प्यार है, और देश में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बाबरी मस्जिद के नाम पर जो कुछ भी हुआ, एक पूरी पीढ़ी उसकी नज़र हो गई।